बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन हंगामे की ये तस्वीर सरकार को प्याज के आंसू रुला सकती है। विपक्ष ने प्याज की बेतहाशा कीमतों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलचस्प ये रहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कुछ एमएलसी प्याज का माला पहनकर सदन में पहुंच गए। प्याज का माला पहने इन सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को खूब कोसा। मांगी प्याज को लेकर बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर राजद और कांग्रेस के विधायकों ने प्याज का माला पहनकर विधानसभा और विधान परिषद के बाहर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध का भी मुद्दा उठाया। इस मौके पर राजद एमएलसी और विधान परिषद के विरोधी दल के मुख्य सचेतक सुबोध कुमार ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधा। सुबोध कुमार ने कहा कि एक मोदी ने केंद्र में बैठकर लोगों को एटीएम की लाइन में खड़ा कर दिया तो दूसरे मोदी ने बिहार के लोगों को लाइन में लगाकर प्याज खरीदने पर मजबूर कर दिया। सुबोध कुमार ने सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर प्याज की जमाखोरी करवाने का आरोप लगाया है। आज हम लोगों ने कार्यस्थगन देने का जो विधान परिषद में बढ़ते प्याज के जो कीमत है जो आसमान छू रहा है, गरीबों को जो दिक्कतें हो रही है, आज लोग लाइन में लग के प्याज खरीदना चालू कर दिए हैं। एक मोदी जो है वो नवंबर के ही महीने में लोग को एटीएम के पास खड़ा कर दिए थे और एक मोदी है जो यहाँ प्याज के लिए लाइन में खड़ा कर दिए है। हम लोग ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है और जिस तरह से अपराध बढ़ा है कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का भी ताल्लुक है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बिहार में भी गरीबी चरम पे है, इसलिए हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। गरीबों का सवाल है, सदन चलता है पूरे जनता के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों का आवाज़ बुलंद करने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने आज कार्यस्थगन प्रस्ताव देने का काम किया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।